वेलकम बैक दोस्तों, हमारा चैनल आज यूनिवर्सल एसी पीसीबी का हम पूरा कनेक्शन, इसका कंट्रोल का पूरा कनेक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पीसीबी हम लोग किसी भी यहाँ तक के पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग स्पीड एसी में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, आज इसका हम लोग टोटल वायरिंग करने सीखेंगे। 5 मिनट के अंदर आप ये पीसीबी अपने से लगा सकते हैं कहीं भी। ये एक्चुअली यूनिवर्सल पीसीबी है, ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है, बहुत लोकल लैंग्वेज में बोलता है चाइना पीसीबी। तो आज हम इसका पूरा कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे और इसका जो सप्लाई होता है उसको भी हम कैसे पास आउट होता है वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अच्छा लगता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अभी आपको हम पूरा 5 मिनट के अंदर पूरा इसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इसको कनेक्शन कैसे करते हैं टोटल A to Z। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है इसमें फाइन का आएगा, स्पीड जो है हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड, ये जो तीन है तीन फाइन के लिए, ये तीनों फाइन का आएगा। और न्यूट्रल जो है हम यहाँ से देंगे या फिर कंट्रोल से न्यूट्रल देंगे। ठीक है, ये आ गया है वाल्व के लिए, सोलनॉइड वाल्व हुआ उसके लिए है। ठीक है, और ये जो है आउटडोर फाइन के लिए है। ठीक है, और इससे भी ए फेस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी एक न्यूट्रल आएगा इसमें। ठीक है, कहीं से भी न्यूट्रल कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग 220 लाइन का देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फेस है, ये न्यूट्रल है, दोनों में से एक पिन से न्यूट्रल ले सकते हैं। 220 जो का वायर आएगा इसमें लगेगा और इसमें लगेगा। ठीक है, और जो कंप्रेसर का वायर आएगा कमांड का वो यहाँ से जाएगा, देखिए। ठीक है, अब हम आपको इसमें दिखाते हैं, इसमें जो ट्रांसफार्मर का है 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ 220 आएगा, मतलब 220 से जो 12 वोल्ट कन्वर्ट करेगा ट्रांसफार्मर उसका वायर हम लोग इसमें लगाएंगे। यहाँ जो आएगा ये आएगा डिस्प्ले का आएगा। ठीक है, ये जो आएगा पाइप टेम्परेचर सेंसर का आएगा, ये रिटर्न एयर सेंसर का आएगा। ठीक है, अभी हम आपको इसको पूरा दिखाते हैं। और यहाँ जो आएगा स्विंग मोटर का आएगा, स्विंग मोटर का जगह आएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको इसको कनेक्शन करके पूरा ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये 220 हो गया और ये 12 वोल्ट के लिए हो गया। ठीक है, एक हो गया, दूसरा हम लोग इसको हम लोग डिस्प्ले का जैक लगाएंगे। ये डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले का जैक लगा दिए। अब हम लोग पाइप टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पाइप टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे, जो दूसरा है रूम टेम्परेचर सेंसर है, उस पर लिखा हुआ पीसीबी पे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इतना तो कनेक्शन कर दिए हैं, अब हम लोग इसको मेन लाइन का कनेक्शन देंगे। मेन लाइन का कनेक्शन देने के लिए हम लोग दो वायर ई करके रखे हुए हैं। एक देखिए, एक हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे देख रहे एल, इसमें देख रहे एक फेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ब्रेकर में जोड़ रहे हैं। ठीक है, 220 के सप्लाई है। अभी हम लोग इसको ब्रेकर से हम लोग कनेक्शन देकर आपको ऑन करके भी दिखाएंगे। ये नॉर्मल एकदम बहुत बहुत ही इजी प्रोसेस है, हम लोग पैकेज में भी लगा सकते हैं, सिर्फ आपको कनेक्शन याद रहता है। अक्सर डायग्राम भी हम वीडियो के बीच में अपलोड कर देंगे, वीडियो पूरा देखे, स्कैप नहीं करे, ताकि आप डायग्राम देख के भी कर सके। देखिए अब इसको हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए ऑन किए, मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको मीटर निकाल लेते हैं। अभी आपको हम रिमोट से, ठीक है, अब इसको हम शो करेंगे। ठीक है, अभी एक न्यूट्रल में लगाएंगे मीटर, हम लोग एक न्यूट्रल पे लगाएंगे और एक फाइन का स्पीड पे लगाएंगे। देखिए अभी कनेक्शन, यहाँ मीटर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग एक न्यूट्रल पे लगा रहे हैं, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल पे लगा सकते हैं। और ये देखिए हम लोग एक इसमें लगा रहे हैं, देखिए अभी आ रहा। ठीक है, अभी हम लोग फाइन स्पीड को चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए फाइन स्पीड को चेंज करेंगे, यहाँ से अब कट जाएगा सप्लाई, दूसरा स्पीड में चल जाएगा। अभी हम लोग हाई में, ठीक है, देखिए अभी हम लोग इस फाइन स्पीड को चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से कट गया, अभी देखिए कनेक्शन कहाँ गया, मीडियम में। ठीक है, अभी देखिए हम लोग फिर यहाँ से चेंज करेंगे स्पीड, यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा। देखिए थर्मोस्टेट, देखिए कनेक्शन कट गया, अब देखिए कनेक्शन चेक कीजिए कहाँ गया। ठीक है, लो में चल गया। तो ये तो फाइन का हो गया, अभी हम देखते हैं कंप्रेसर का कमांड गया हुआ है, देखते कंप्रेसर का कमांड में चेक करेंगे। एक न्यूट्रल पे रहेगा और एक न्यूट्रल पे रहेगा, दूसरा कंप्रेसर का जो सी उसमें रहेगा। देखिए एक न्यूट्रल पे है इधर, एक कंप्रेसर सी। अभी आपको मीटर में शो कर देते हैं। देखिए मीटर में
220 आ रहा है, ये मतलब कंप्रेसर कमांड जा चुका। अभी हम लोग मूड को चेंज करके देखते हैं कंप्रेसर कमांड कटता है कि नहीं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग मूड को चेंज कर देंगे। ड्रायर मूड अभी भी कट गया, देखिए फाइन मूड में डाले कंप्रेसर कट गया। तो एकदम इजी प्रोसेस है, आप इससे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। अभी इसका हम आपको डायग्राम भी शो कर देंगे। ठीक है, हम आपको डायग्राम आपको शो करते हैं। तो एकदम इजी प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप मेरा सिर्फ प्रैक्टिकली इसलिए हम दिखा देते हैं क्योंकि कोई भी न्यू टेक्नीशियन रहा उसको काम करना है बहुत आसानी है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे यूनिट का ऐसा होता है पीसीबी मिलता नहीं, तो क्या होता है उसका जगह हम लोग यूनिवर्सल पीसीबी लगा देते हैं जिसको हम चाइना पीसीबी बोलते हैं। तो इसमें ऑलरेडी कंट्रोल दिया हुआ रहता है, अगर कंट्रोल नहीं है तो आप इसको देख के कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सेम सेम जैसे हम बताए थे आपको, हम किट को भी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए किट का और इसको देखिए दोनों का पढ़िए। देखिए ये हाई है, ठीक है ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है, ये वाल्व का है, ठीक है ये आउटडोर फाइन का है। यहाँ वही सेम हो गया, स्विंग मोटर का हो गया है, या रूम टेम्परेचर, ये पाइप टेम्परेचर, ये डिस्प्ले, ये एसी 12 वोल्ट। देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर बना हुआ, यहाँ एक 220 जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक मेन लाइन चल गया लाइन, यहाँ से एक चल गया है न्यूट्रल। ठीक है, ये नॉर्मल कनेक्शन है। ठीक है, देखिए ये फाइन मोटर का कनेक्शन यहाँ से दिया, तीनों स्पीड यहाँ पे हम लोग तीनों स्पीड हम लोग को दिया हुआ। यहाँ से जो कनेक्शन आ रहा सीधा फाइन मोटर पे आ रहा तीनों स्पीड का, न्यूट्रल दे दिया गया है। यहाँ से ले लीजिए न्यूट्रल या कहीं से लीजिए। कंप्रेसर का भी सेम है, कंप्रेसर का देखिए रिले से जा रहा कॉमन। देखिए अब यहाँ पर कंप्रेसर का जो है, ठीक है ये कंप्रेसर का है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें ये जो है कंप्रेसर का ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कंप्रेसर देखे लिखा हुआ है तो एकदम नॉर्मल है। आप इसको वीडियो को आराम से देख सकते हैं और कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल का क्योंकि इससे कॉस्ट भी कम पड़ता है और ये काफी यूजफुल भी है, बहुत फ्रेंडली ये पीसीबी है। ये हम लोग एफसीयू में यूज कर सकते हैं, पैकेज में यूज कर सकते हैं, स्पीड एसी में यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ लाइव वीडियो में मिलेंगे आप, तब तक अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।